फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ली एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने पर उसमें डालेंगे जीरा, जीरा ब्राउन हो गया है, अब उसमें डालेंगे तेज पत्ता, एक इलायची, 4 लौंग, हल्का सा भून लेते हैं। जब ये थोड़ा भून जाए अब इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 4-5 लहसुन की कलियां, अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें डालेंगे बड़ा बड़ा कटा हुआ टमाटर, अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेलन सीड्स, 8 से 9 काजू, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ढक कर 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। 2 मिनट बाद देखेंगे टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको ठंडा होने देते हैं और फिर पीस लेते हैं। अब लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मिक्स कर देते हैं। अब इसमें जो टमाटर और प्याज के को हमने पीस के रखा था वो डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, इलायची पाउडर, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी शुगर, चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप के करीब मलाई, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था, इसको मिक्स कर देते हैं। एक मिनट पकने देते हैं। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, ग्रेवी को थोड़ी देर पकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम के करीब पनीर, कुछ पनीर को मैं क्रम्बल करके डाल रही हूँ। एक मिनट के लिए पकने देते हैं। शाही पनीर बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।